दोस्तों टॉलीवुड को पहले कोई नहीं जानता था और ना तो उसके मूवी को उसके एडवर्टाइजमेंट को कोई देखना चाहता था। लेकिन दोस्तों कुछ साल से अब हो क्या रहा है कि कुछ नए नए जो क्रिएटर आ रहे हैं, कुछ एक्टर आ रहे हैं जो अपने प्रतिभा से उसको और ऊपर ले गए हैं। और इन वर्तमान कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि टॉलीवुड अब भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग कोने में ये देखा जाने लगा है। और इनफैक्ट ये बहुत पॉपुलर जा रहा है, लेकिन उसमें से किसके बदौलत, इसमें से कुछ एक्टर के बदौलत, कुछ एक्ट्रेस के बदौलत, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बदौलत ये ज़्यादा जाना जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं टॉलीवुड के एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ आगे करकर और टॉलीवुड को और भी सक्सेस के ऊपर और भी आगे लेके गया है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ द स्टाइलिस्ट स्टार ऑफ बॉलीवुड यानी टॉलीवुड यानी कि अल्लू अर्जुन, जो कि एक स्टाइलिस्ट स्टार अपने स्टाइल और अपने फैशन के बदलाव से वो जाना जाते हैं, उनके एक्टिंग के बदलाव से स्टाइलिश स्टार। तो चलिए फिर आज उनकी लाइफ स्टोरी को हम थोड़ा सा करीब से और शुरू से अंत तक जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है 8 अप्रैल सन 1983 से, जब तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन का जन्म होता है। इनके पिता का नाम अल्लू अरविंद है जो कि एक फिल्म जगत में प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करते हैं, और इनकी माता का नाम निर्मला है जो कि एक हाउसवाइफ है। और दोस्तों इनके दादाजी अल्लू राम गिलास जो थे वो भी एक बहुत बड़े फिल्मकार थे, उन्होंने भी लगभग 1000 प्लस टॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और वो इस तरह से बहुत काम किया है और 1990 में उनको जाकर पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। और दोस्तों एक बात भी बताऊं कि ये इनको बचपन से ही ये ड्रीम था कि मैं एक एक्टर बनूंगा बड़ा होकर, ये बचपन से ही चाहते थे कि मैं एक एक्टर बनूं। और ये पढ़ाई में कोई खास नहीं थी, ये वीक थे पढ़ाई में, लेकिन इनका जो डांस और एक्टिंग के प्रति जो ये अक्सर स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया करते थे, किसी भी फंक्शन वगैरह में कुछ भी जिसमें एक्टिंग और डांस करना होता था, इनको एक्टिंग और डांसिंग बहुत अच्छा लगता था और यही ये ड्रीम लेकर चले थे कि मुझे एक दिन एक्टर बनना चाहिए, बखूबी अपने दम पर, ना कि अपने बनाए गए अपने दादा और पापा जी के नाम पर। दोस्तों इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई सेंट पैट्रिक स्कूल चेन्नई से की है जो एक चेन्नई में स्कूल है, और उससे निकलने के बाद अपनी कॉलेज की डिग्री एमएसआर कॉलेज ऑफ हैदराबाद से ली है। और दोस्तों ये बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे, इसलिए इनको ये बचपन में ही फिल्म में डेब्यूट कर चुके थे एज अ चाइल्ड जो बच्चा होता है थोड़ा सा उसके एक्टिंग के जैसा कर सकते थे, इसलिए वो कर चुके थे वो बच्चे का एक्टिंग। और दोस्तों अब उनको चाहिए था कि एक लीड एक्टर की तरह बनना है, मुझे अपना खुद का एक पहचान बनाना है कि नहीं ये सामने वाला ही रियल है, इसमें मेन कैरेक्टर है, इसलिए इनको लीड एक्टर जो चाहिए था। ये क्या करने लगे, दिन रात प्रैक्टिस करने लगे, अपने स्किल को बढ़ाने लगे ताकि और अच्छे से टॉलीवुड को ऊपर ले जा सके, अपने आप को ऊपर ले जा सके। और उसके बाद दोस्तों 2001 में और जो बच्चे वाला मूवी था उसका नाम था विजेता, और ये 2001 में अपनी फिल्म में डेब्यूट किया। और दोस्तों 2001 में इनका फिल्म आया डैडी जिसमें इन्होंने डांसर के तौर पर बहुत अच्छा से काम किया था, और उसी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने की कि इनको सारे लोग जान गए एक डांसर, लेकिन अभी भी लीड एक्टर नहीं हुआ था, इनका लीड एक्टिंग बाकी था, इसलिए इन्होंने एक फिल्म आई गंगोत्री जिसमें ये लीड एक्टर की तरह से नजर आए और लोगों ने इनकी जो एक्टिंग थी उसको खूब सराहा, खूब पसंद किया। और दोस्तों 2003 में जो मूवी आई गंगोत्री ये उनका सुपर डुपर हिट गया, और इसके बाद दोस्तों ये हर इंसान के मुंह पे आ गया अल्लू अर्जुन, नाम भी सुटेबल, काम भी अच्छा, चलो अल्लू अर्जुन सब बोलने लगे। एक्टिंग बहुत अच्छी थी गंगोत्री फिल्म में, इसलिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर साउथ भी दिया गया है, सिनेमा अवार्ड फॉर साउथ दिया गया, नंदी अवार्ड इनको दिया गया है उस फिल्म के लिए। और उसके बाद दोस्तों इनकी और दो मूवी हिट गई ताकि ये और अच्छे ऊपर जा सके, जिसका नाम था 2004 में आया था आर्या, क्योंकि सुपर डुपर हिट गई और फैन फॉलोइंग के द्वारा खूब पसंद की गई। और उसके बाद एक मूवी आई बंदी जो वो भी बहुत हिट गई, और आज तो उनके पास उसके बाद इतने फिल्मों की लिस्ट है
कि गिनने में पार नहीं लगेगा, काउंटिंग का पार नहीं लगेगा। जैसे सत्य सन ऑफ सत्य मूर्ति, बद्रीनाथ, सन ऑफ सत्य मूर्ति टू, यफडी जैसे बहुत सारे हिट मूवी ये कर चुके हैं। और दोस्तों चलिए अब इसके इनके पर्सनल लाइफ की ओर थोड़ा सा एक नज़र डाल दें। तो 6 मार्च सन 2011 को इन्होंने एक स्नेहा रेड्डी नाम की एक लड़की से शादी किया, जिससे कि अभी उनके प्रेजेंट में 2 बच्चे हैं, जिसका एक का नाम लड़का है आर्यन और एक लड़की है आरहा। तो गाइस ये थी इनकी कहानी और आगे इन्होंने बहुत सारे मूवी किए, हिट भी गए और अच्छे काम भी कर रहे हैं, आज सक्सेस भी। आज हर कोई का पसंद लगभग अल्लू अर्जुन है और मुझे भी टॉलीवुड में सबसे 6 एक्टर अल्लू अर्जुन लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।